गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सक्सेना आप सभी का अपने चैनल मैसवाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज मैं आप सभी के लिए एक शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी इस शिक्षण योजना का पूर्ण लाभ उठाएंगे और यह आपके लिए पूर्ण मददगार साबित होगी। तो चलिए, आज की शिक्षण योजना आपके सामने प्रस्तुत है। यह योजना क्लास सिक्स के लिए है, जिसका विषय कृषि विज्ञान, प्रकरण भू परिष्करण, दिवस प्रथम, समय 35 मिनट। लर्निंग आउटकम, छात्र भू परिष्करण के प्रकार और उद्देश्य बता रहे हैं। सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दीक्षा ऐप सामग्री। शिक्षण अधिगम क्रिया, इसमें 3 कॉलम हैं, चरण, समय, आकलन के तरीके। चरण में पहला पॉइंट, शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षक प्रश्न पूछेंगे, जैसे हल किस काम आता है, तो छात्रोत्तर में खेत जोतने में, खेत की जुताई क्यों करते हैं, बीज बोने के लिए। भू परिष्करण से आप क्या समझते हैं, इसका समय अवधि 5 मिनट की रहेगी। सेकंड, शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों से शिक्षक छात्रों से पुस्तक पाठन कराते हुए निम्न बिंदुओं पर पारस्परिक चर्चा करेंगे, जैसे खेत सही करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं, भू परिष्करण का अर्थ, भू परिष्करण के प्रकार, भू परिष्करण के उद्देश्य। इसकी समय अवधि 15 मिनट। थर्ड, शिक्षण के अंत में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछेंगे, जैसे भू परिष्करण किसे कहते हैं, तो छात्रोत्तर में खेत की जुताई को। भू परिष्करण के कितने प्रकार हैं, 2। भू परिष्करण का प्रमुख उद्देश्य है मृदा में वायु संचार बढ़ाना। खेत में खरपतवार नष्ट करने के लिए क्या करेंगे, खेत की जुताई। शिक्षक द्वारा छात्रों को दीक्षा ऐप की सामग्री दिखाई व उस पर चर्चा की जाएगी। गृह कार्य, सभी छात्र पुस्तक में प्रश्न संख्या 1, 2 तथा 3 हल करके लाएंगे। इसकी समय अवधि 5 मिनट। शिक्षक की आगामी योजना, पाठ के शेष भाग की पूर्णता हेतु नवीन योजना निर्माण। तो साथियों, अंत में आप सभी से अब मैं अनुमति लेना चाहता हूँ। इसी तरह की अन्य योजनाओं को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।